क्या आपने नरक का दरवाजा ऐसी किसी जगह के बारे में सुना है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको उस नरक के दरवाजे की कहानी सुनाते हैं। सोवियत संघ में शामिल रहे तुर्कमेनिस्तान के उत्तर में एक बड़ा सा गड्ढा है जिसे गेट्स ऑफ हेल यानी नरक का दरवाजा कहा जाता है। तुर्कमेनिस्तान के 70% हिस्से में काराकुम रेगिस्तान है। 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर के इस रेगिस्तान के उत्तर की तरफ गेट क्रेटर यानी क्रेटर दरवाजा नाम का बड़ा सा गड्ढा है। इस गड्ढे के बारे में कनाडाई एक्सप्लोरर जॉर्ज कोरोनिस ने बीबीसी को बताया, जब मैंने पहली बार इसे देखा और इसके पास की जमीन पर मैंने पैर रखा तो इस गड्ढे से आने वाली गर्म हवा सीधे मेरे चेहरे पर लग रही थी। मुझे लगा कि ये ऐसी जगह है जिसमें से शैतान खुद हाथों में हथियार लिए निकला हो। 69 मीटर चौड़े और 30 मीटर गहरे इस गड्ढे में बीते कई दशकों से आग धधक रही है, लेकिन इसका कारण शैतान नहीं बल्कि इससे निकलने वाली प्राकृतिक गैस मीथेन है। साल 2013 में नेशनल जियोग्राफिक चैनल के लिए बनाए जा रहे एक कार्यक्रम के दौरान एक खोजी दल तुर्कमेनिस्तान के इस इलाके में पहुंचा था। जॉर्ज कोरोनिस इसी दल के सदस्य थे। वो ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि इस गड्ढे में लगातार जलने वाली आग वास्तव में शुरू कब से हुई, लेकिन उनकी जांच ने उनके सवालों के पूरे जवाब देने के बजाय कुछ और ही नए सवाल खड़े कर दिए। इस आग के बारे में कहानी शुरू होती है 80 के दशक की शुरुआत में। प्रचलित कहानी को माने तो साल 1971 में सोवियत संघ के भूवैज्ञानिक काराकुम के रेगिस्तान में कच्चे तेल के भंडार की खोज कर रहे थे। यहाँ एक जगह पर उन्हें प्राकृतिक गैस के भंडार मिले, लेकिन खोज के दौरान वहां की जमीन धंस गई और वहां 3 बड़े बड़े गड्ढे बन गए। इन गड्ढों से मीथेन के रिसने का खतरा था जो वायुमंडल में घुल सकती थी। एक थ्योरी के अनुसार इसे रोकने के लिए भूवैज्ञानिकों ने उनमें से एक गड्ढे में आग लगा दी। उनका मानना था कि कुछ हफ्तों में मीथेन खत्म हो जाएगी और आग अपने आप बुझ जाएगी, लेकिन कोरोनिस कहते हैं कि इस कहानी को सच माना जा सके इसके पक्ष में उन्हें कोई दस्तावेज नहीं मिलते। साल 2013 में अपने पहले दौरे के वक्त उन्होंने कई स्थानीय लोगों से इस बारे में बात की, लेकिन उन्हें पता चला कि इस आग के बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता। वो बताते हैं, इस गड्ढे के बारे में सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि इसके बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस देश में जाकर भी आप इसके बारे में अधिक जानकारी नहीं पा सकते। मैं इसके बारे में आधिकारिक रिपोर्ट और दस्तावेज खोज रहा था। कुछ अखबारों में इस घटना का जिक्र ज़रूर मिला, लेकिन कहा जा सकता है कि वो ना के बराबर थी। तुर्कमेनिस्तान के भूवैज्ञानिकों के अनुसार ये विशाल गड्ढा वास्तव में 1960 के दशक में बना, लेकिन 1980 के दशक में ही इसमें आग लगी। कोरोनिस कहते हैं कि इसमें आग कैसे लगी इसे लेकर भी विवाद है। कुछ लोग कहते हैं इसमें जानबूझकर आग लगाई गई, कई कहते हैं आग दुर्घटनावश लगी, और कुछ का तो ये भी मानना है कि आग बिजली गिरने की वजह से लगी। एक और थ्योरी के अनुसार भूवैज्ञानिकों ने फ्लेयरिंग तकनीक का इस्तेमाल किया होगा। प्राकृतिक गैस को निकालने की प्रक्रिया में आमतौर पर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें सुरक्षा के लिहाज से और गैस बचाने के लिए जानबूझकर गैस में आग लगा दी जाती है, लेकिन जानकार मानते हैं कि अगर मामला ऐसा है तो चूंकि सोवियत संघ के लिए रणनीतिक तौर पर अहम मुद्दा था, इसलिए इससे जुड़ी रिपोर्ट को टॉप सीक्रेट करार दिया गया होगा। इतिहासकार जोरोनिम पेरोविक कहते हैं कि नरक के दरवाजे को लेकर जो रहस्य हैं वो बिल्कुल तार्किक हैं। जोरोनिम ने बीबीसी से कहा, यह इस बात की तरफ इशारा है कि सोवियत संघ के दौर में काम कैसे होता था। उस वक्त केवल उन अभियानों की जानकारी सार्वजनिक की जाती थी जो सफल होते थे, लेकिन नाकाम अभियानों के बारे में बताया ही नहीं जाता था। आग का यह गड्ढा रेगिस्तान के बीच उभरा था, ऐसे में इसके कारण जानों माल के नुकसान का कोई डर नहीं था। जानकार मानते हैं कि उस दौर में सोवियत संघ के पास प्राकृतिक गैस या ईंधन की कोई कमी नहीं थी, ऐसे में ये संभव है कि गैस को जला देना उनके लिए व्यावहारिक विकल्प रहा होगा। कोरोनिस के खोजी दल में शामिल रहे माइक्रोबायोलॉजिस्ट स्टीफन ग्रीन कहते हैं कि मीथेन को अनियंत्रित तरीके से पर्यावरण में घुलने देना गलत विचार है,
और इसे जला देने के फैसले को समझा जा सकता है। ये बात सच है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ना हानिकारक है, लेकिन वातावरण में मीथेन गैस छोड़ना उसके मुकाबले और ज्यादा हानिकारक है। तुर्कमेनिस्तान के अधिकारियों ने एक बार सोचा था कि वो लगातार जल रही इस आग को बुझा दें, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि ये पर्यटन को बढ़ावा देने का अच्छा रास्ता हो सकता है। हर साल करीब 6,000 सैलानियों वाले इस देश के लिए मीथेन उगलने वाला ये गड्ढा देश का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल बन चुका है। काराकुम रेगिस्तान में ये गड्ढा रात को भी दूर से दिखाई देता है और कई सैलानी इसे देखने आते हैं। इस गड्ढे के पास खड़े होने के अपने अनुभव के बारे में जॉर्ज कोरुनिस बताते हैं। मैं एक प्रोटेक्टिव सूट पहन के वहाँ खड़ा था और एक अंतरिक्ष यात्री की तरह दिख रहा था। मेरे सामने एक स्टेडियम जितना बड़ा आग का ऐसा गड्ढा था जो आग उगल रहा था। मेरे लिए ये धरती में रहते हुए किसी दूसरी दुनिया में जाने जैसा अनुभव था।